गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम जो सवाल कर रहे हैं वो है स्थानीय मान। क्या है स्थानीय मान, यानी कि किस अंक का क्या मान है, वह किस पोजीशन के अंदर है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इस बात करते हैं तो सबसे पहले जो अंक आता है वो होता है इकाई का, और इकाई के बाद क्या होता है हमारा दहाई, और दहाई के बाद क्या होता है हमारा सैकड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें तीन अंकों की तो तीन अंकों में इकाई, दहाई और सैकड़ा तीन अंक होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी हम संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है वन वन वन। ठीक है, अंक हमारे पास सिर्फ एक ही है। क्या है वो अंक? एक। इकाई में भी वही है, दहाई में भी वही है, और सैकड़े में भी वही है। तो हमारे पास जो संख्या बनती है वो है वन वन वन, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 111। ठीक है, अब हमें इनका अलग अलग मान ज्ञात करना है, और उसका स्थानीय मान क्या बनता है। अगर हम इकाई की बात करें तो इकाई में हमारे पास सिर्फ एक अंक है, तो इकाई का हम लिखेंगे सिर्फ एक। ठीक है, एक इकाई। अगर हम इस एक की बात करें तो यह किस जगह पे है, यह दहाई के स्थान पर है, मतलब एक गुना दस। तो मतलब संख्या क्या बनती है दस, कि हमारे पास दहाई एक है। ठीक है, तो इसका मान, एक का मान कितना हुआ, दहाई का मतलब दस इसका मान हुआ। और अगर हम बात करें तीसरे एक की, तो इसका जो मान है वो कहां पर है, इसका मान है सैकड़ा। सैकड़ा मतलब सो, एक गुना सो, तो इसका मान कितना निकलेगा, सो हंड्रेड। ठीक है, तो अगर हम इस एक की बात करें, इसका मान कितना है एक। इस दहाई वाले एक की बात करें तो इसका मान कितना है दस। अगर हम इस एक की बात करें तो इसका मान कितना है हमारे पास सो। क्लियर है ये, तो बिल्कुल आसान है, आप इसको करके देख सकते हैं। हम एक सवाल और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास संख्या है सेवन एट सिक्स। ठीक है, हमारे पास ये संख्या है, अगर हमें बताना है इसका, अगर हमें तीनों अंकों का स्थानीय मान जब हम निकालते हैं तो हमें पता है कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने 111 किया था, अब हम इसमें से अगर पूछें कि इसमें से आठ का जो स्थानीय मान है वो क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम छह को नहीं छेड़ेंगे, हम सात को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमें किसका स्थानीय मान निकालना है, सिर्फ आठ का। तो अगर हम आठ का स्थानीय मान निकालेंगे तो आठ का जो स्थान है वो क्या है, वो है दहाई। दहाई मतलब दस। ठीक है, दस के दस इकाइयों के बराबर एक दहाई होता है ना, तो यहां पर कितना है आठ दहाई। यानी कि आठ को हमें दस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दहाई का मान कितना होता है, हमेशा दस होता है। तो और दहाई में कितनी है हमारे पास, आठ दहाइयां हैं। तो आठ दहाइयां मतलब आठ गुना दहाई, दहाई मतलब एक दहाई दस। ठीक है, तो आठ गुना दस कितना हो गया, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें आठ दहा अस्सी, तो आठ का जो स्थानीय मान है वो क्या निकलेगा हमारे पास, अस्सी निकलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमें इसी संख्या 786 में से हमें सात का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें छह को नहीं छेड़ना है, आठ को नहीं छेड़ना है, हमें किसका मान निकालना है, हमें सिर्फ सात का मान निकालना है। और आप जानते हैं सात किसके स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सात जो है हमारा सैकड़े के स्थान पर है, और एक सैकड़ा किसके बराबर होता है, आपको पता है एक सैकड़ा हमेशा सौ के बराबर होता है, और हमारे पास सैकड़े कितने हैं सेवन, यानी कि सात गुना में सौ। तो हमें इसका मान पता लग जाएगा कि सात का मान कितना है, यानी कि सात का स्थानीय मान। तो सात सात जीरो जीरो सात जीरो जीरो सात एकम सात, तो सात का जो स्थानीय मान है वो कितना है 700। क्लियर है ये, यस। ठीक है, तो इस प्रकार आप स्थानीय मान के सवाल आप एक एक करके निकाल सकते हो। अगर किसी एक का स्थानीय मान स्थान का मान पूछा है, अगर आपसे दो का पूछा है तो आप दो का निकाल सकते हो, अगर आपसे अलग अलग पूछा है तो आप अलग अलग भी निकाल
सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये स्थानीय मान निकालना समझ में आ गया होगा। आप इसको घर पे ट्राई करें अलग अलग संख्याओं के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।